ओम मल्लिकार्जुन भीमशंकरं वैद्यनाथं त्र्यंबकेश्वरं केदारनाथं गिरनेश्वरं श्री सोमनाथं तारकनाथं बासुकीनाथं मंगलेश्वरं महाकालेश्वरं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? भगवान से बनाते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज है कार्तिक का पूर्णिमा और अभी बज रहा है दोस्तों लगभग 7:30 सुबह का। तो हमारे तरफ से और रिंकी की तरफ से सभी दोस्तों को वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी दोस्तों हम लोग कुछ देर के बाद, अभी तो यहाँ पे लट्ठू हम लोग काट रहे हैं। सुबह सुबह 5 बजे लगे हैं दोस्तों हम लोग काम में, आप देख पा रहे हैं पापा लट्ठू काट रहे हैं और थोड़ा सा बचा हुआ है और लगभग लट्ठू छाँक चुके हैं हम लोग। तो अभी थोड़ा देर के बाद हम लोग जाएंगे दोस्तों पूजा करने के लिए आज, क्योंकि आज चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। तो 9 बजे से पहले हम लोगों को पूजा करके और घर आ जाना है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को भी दिखाते हैं हम लोग कहाँ पूजा करने के लिए जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों नहाने के लिए और नहाने के बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों हम लोग नहा करके रेडी हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हम लोग सब रेडी हैं मंदिर जाने के लिए। भाभी भी जा रही है, स्वीटी भी जा रही है और रिंकी जी भी जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं हम लोग मंदिर में। महाकाय सूर्य कोटि शम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु शरणं। तो हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं दोस्तों और अब हम लोग पूजा करेंगे। ओम मल्लिकार्जुन भीमशंकरं वैद्यनाथं त्र्यंबकेश्वरं केदारनाथं गिरनेश्वरं श्री सोमनाथं तारकनाथं बासुकीनाथं मंगलेश्वरं महाकालेश्वरं। पुष्पं समर्पयामि श्रीबेलपत्रं समर्पयामि शिवाय नमः शिवाय हरिहं समर्पयामि हरिहं समर्पयामि नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय चंदनं समर्पयामि चंदनं समर्पयामि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय अच्छतम समर्पयामि नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय महादेवे नमः अच्छतम समर्पयामि महादेवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमङ्गल्ये मङ्गले शिवे सर्वार्थ सार्थके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो पार्वती का माँ, पार्वती माता का पूजा करते हुए रिंकी जी और भाभी। दोस्तों हम लोग का हो चुका है पूजा और हम लोग अब जा रहे हैं घर दोस्तों, फिर मिलते हैं घर में। तो दोस्तों हम लोग पूजा करके पहुंच चुके हैं घर और अब थोड़ा सा नाश्ता करेंगे दोस्तों, बहुत ज्यादा भूख लग चुका है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नाश्ता करने के बाद। और फिर अभी सामान भी हम लोगों को बनाना बहुत ज्यादा है, चूंकि आज हटिया है मंगलवार और हम लोगों को हटिया भी जाना पड़ेगा। तो दोस्तों खाना बन चुका है और अभी लगभग समय हो रहा है 1 बज रहा है दोस्तों, और खाना बन चुका है और हम खाना खा भी चुके हैं दोस्तों। और टुकटुक को आप देख सकते हैं, टुकटुक अभी मालिश करवा करके और दूध दूध पी करके और अभी सोया हुआ है, आराम फरमा रहा है।
हाय कर दो बेटा, हाय कर दो, हाय कर दो, हाय कर दो। तो दोस्तों टुकटुक अभी सो रहा है, आराम कर रहा है टुकटुक, और चलिए दिखाते हैं खाना में आज क्या बना है। दोस्तों खाना में बना है आज चावल, और बना है दाल, और बना है बैगन का भुजिया। दोस्तों सोनू बड़ा मेहनत से सामान सारा लोड कर चुका है गाड़ी में, और आप देख सकते हैं सामान सारा गाड़ी में लोड हो चुका है दोस्तों। और जो कुछ सामान बाकी है वो भी अंदर घर में रखा हुआ है बोरा में, और दो बजने वाला है अभी, और 2:30 बजे हम लोग निकलेंगे हटिया। खाना पीना हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं रिंकी जी बहुत कम बर्तन लेकर के बैठी हुई है। रिंकी जी बहुत कम बर्तन लेकर के बैठी हुए हैं धोने के लिए। ये लोग लगभग दिन भर में दोस्तों 3 घंटा बर्तन धोती है, सारा दिन मिला करके 3 घंटा तो बर्तन जरूर धोती है ये लोग। तो दोस्तों आशा है आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूले दोस्तों, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। तो दोस्तों कल फिर मिलता है एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।